सर इसका थोड़ा देर है साहब, ये दुनिया वाले कुछ नहीं उखाड़ सकते मेरा। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे फैक्ट्री में। दोस्तों मैं हूं सोनू और आज आप सभी के लिए यहां पर लेकर आया ये 12 इंची के बॉक्सेस जो कि रहने वाले हैं, ये रहने वाले हैं बेसिकली दोस्तों मेगा स्टार कंपनी की तरफ से। यहां पर आपको पूरा सेपरेट बॉक्स मिल जाता है, यहां पर लाइटिंग की भी सुविधा देखने के लिए मिलती है, 12 इंची के स्पीकर और एक HF भी मेंशन किया हुआ है। भाई इसे आप लोग कह सकते हो भाई मिनी डीजे सेटअप। तो अनबॉक्सिंग करेंगे, जानेंगे इसकी डिटेल, अंदर से खोल के भी दिखाऊंगा। तो बिना देर करे करते वीडियो को शुरू। शुरू करने से पहले मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बेसिकली अगर बात की जाए ये मॉडल्स की, तो ये मॉडल दोनों एक ही हैं और ये पेयर के अंदर आपको मिलने वाला है। इनबिल्ट एम्पलीफायर रहने वाला है, वोल्टेज कितनी रहने वाली है, क्या आपके काम का हो सकता है या नहीं हो सकता, सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है जो इसकी बॉडी रहने वाली है भाई, वो रहने वाली है पूरी वुडन की बॉडी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। और ऊपर से जो इसके ऊपर कोटिंग की गई है भाई, वो बिल्कुल हमारी पेंट वाली कोटिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगेन उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको हैंडल की जो सुविधा मिलती है, जो हैंडल्स मिलते हैं इनबिल्ट मिलते हैं आपको, बॉडी के अंदर ही हैंडल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, वो भी प्लास्टिक के हैवी वाले हैंडल्स का यहाँ पर यूज़ किया गया है। और साथ में एक बार फिर से अगर मैं बात करूँ बॉडी के अंदर क्वालिटी की, तो यहाँ पर आप लोगों को जो हमारी कैबिनेट्स के अंदर बबल वाला पेंट डलता है वही पेंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ये अगेन उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि ये साइड से जो है अंदर की तरफ बैंड रहने वाली है। बेसिकली बैंड का जो डिज़ाइनिंग आता है वो आपका मेन ये हो गया कि भाई देखने में अच्छा लगता है और लुक बहुत अच्छी प्यारी आती है। और यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल ग्रिल के पीछे बैक साइड पर आपको स्पीकर्स देखने के लिए मिलते हैं, 2 स्पीकर्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, एक HF देखने के लिए मिल रही है। अगेन साइड में आपको कैबिनेट को या फिर आपके डीजे को, भाई आपके मिनी डीजे को अच्छा बनाने के लिए, कुछ सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर आप लोगों को LEDs मिल जाती है जो कि मल्टी कलर में यहाँ पर काम करने वाली है। तो दोस्तों एक बार मैं बात करता हूँ अब इस वाले बॉक्स की, इस वाले बॉक्स की बैक साइड आपने देखी, अब इस वाले बॉक्स के बैक साइड में हम चलते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या खास रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं भाई 2 माइक, इसके अंदर बॉडी के अंदर ही आपको 2 माइक अलग से कनेक्ट करके दिए गए हैं जो कि इन स्पीकर के साथ चलने वाले हैं। बेसिकली अगर बात की जाए, मान के चलिए आप लोग इसको यूज़ कर रहे हैं घर में मिनी डीजे में, भाई किसी का गाना गाने का मन कर जाता है, भाई मुझे गाना गाना है, तो आप लोग गाना भी गा सकते हैं भाई, 2 माइक मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए भाई कीर्तन वगैरह करना है कोई, या कोई भजन संध्या करनी है, या कोई भी मतलब मिनी डीजे या साउंड का कोई भी प्रोग्राम आपको करना है तो आप नॉर्मली इससे कर सकते हैं। 12 इंच का स्पीकर मिड बेस के साथ आपको मिलने वाला है यहाँ पर। आप जल्दी से जान लेते हैं इसकी कुछ बाकी डिटेल्स। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं मेगा स्टार कंपनी का स्पीकर जो कि आता है आपका 12 इंच में। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है ये यूनिक लुक। अगेन यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट साइड पर मिल जाती है मेगा स्टार की ब्रांडिंग, साथ में यहाँ पर 2 12 इंच स्पीकर को मैंशन किया हुआ है। और यहाँ पर एक आपको HF फ्लेयर मिल जाता है भाई, साथ में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ग्रिल जो है पूरे तरीके से अंदर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है, साइड से कहीं से बाहर नहीं मिलने वाली है। और लुक जो काफ़ी प्यारा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और आप लोग देख सकते हैं जो लाइनिंग सी जो चल रही है साइड में, इसके पीछे आपको लाइटिंग देखने के लिए मिलने वाली है। तो बात की जाए यहाँ पर दूसरे बॉक्स की, तो यहाँ पर दूसरे बॉक्स में भी आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पर मैंशन की हुई हैं। अगेन उसी के साथ साथ यहाँ पर लाइटिंग लगी हुई है भाई, लाइटिंग का मॉडल आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। बेसिकली दोनों बॉक्स में आपको लाइटिंग देखने के लिए मिलने वाली है, यहाँ पर आपके ऊपर है, आप लाइट ऑन करना चाहते हैं ऑन कीजिए, नहीं तो ऑफ रहने दीजिए। यहाँ पर मेगा स्टार की ब्रांडिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है, सेम उसी डिज़ाइन की यहाँ पर ग्रिल आपको देखने के लिए मिलती है भाई दोस्तों। तो ये हो जाता है स्पीकर का कुछ साइड लुक। यहाँ पर आप लोगों को ऊपर और नीचे कुछ नहीं के लिए मिलता है, यहाँ पर प्लास्टिक का हैंडल आपको बॉडी के अंदर देखने के लिए मिलता है। और सबसे डिफरेंट हैंडल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि भाई यूज़ में जो है बिल्कुल डिफरेंट हैंडल देखने के लिए मिल जाता है।
उसी के साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पर क्वालिटी की, कि बॉडी की क्वालिटी कैसी रहने वाली है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बॉडी के ऊपर ही आपको पेंट देखने के लिए मिलता है। बेसिकली ज़्यादातर जितनी कैबिनेट आती हैं इस टाइप की एक्टिव वाली, उसके ऊपर पन्नी का रैप टाइप का चढ़ा होता, कवर टाइप का, लेकिन यहाँ पर जो है आप लोगों को ओरिजिनल पेंट देखने के लिए मिलता है। अगर मैं इसको स्क्रैच कर रहा हूँ तो स्क्रैच नहीं होगा दोस्तों। और उसी के साथ यहाँ पर सेम हैंडल आपको यहाँ पर भी एक देखने के लिए मिल जाता है। अभी मैं आ चुका हूँ स्पीकर की बैक साइड की तरफ, तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं भाई दो माइक्रोफोन्स, जिनको एक सेपरेट जगह पर फिक्स कर दिया गया है। आप चाहते हैं इन्हें निकालना तो भाई आसानी से आप लोग निकाल भी सकते हैं। अगर बात की जाए माइक्रोफोन्स की क्वालिटी की, तो माइक लाइट वेट है लेकिन काफ़ी अच्छे क्वालिटी के यहाँ पर आपको काम अच्छा निकाल के दे देंगे ये माइक्रोफोन्स। अगेन यहाँ पर इसके लिए अलग से एक बॉक्स बनाया गया है जिसमें आपके माइक्रोफोन जो है सेव रह सकें, इधर उधर ना जाएं। साथ में यहाँ पर स्पीकर इनपुट आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये बेसिकली मेन से जो ये वाला जो मेन है इससे कनेक्ट करके आप यहाँ पर इनपुट डाल सकते हैं, और लाइट की भी इनपुट डाल सकते हैं। जो लाइट यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना जो जल रही थी, वो भी यहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों नॉर्मल वाला बॉक्स, यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये है स्पीकर की अपर साइड, जहाँ पर आपका पूरा मैनुअल ऑपरेट करने का जो इतना भी सिस्टम रहता है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। बिल्कुल सेंटर में मेगा स्टार की ब्रांडिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। साइड में आपको दो व्हील्स देखने के लिए मिलते हैं। बेसिकली ये जो व्हील्स रहने वाले हैं, ये आपका रहने वाला है माइक्स का वॉल्यूम, और ये रहने वाला है आपका मल्टीमीडिया का वॉल्यूम। साथ में आप लोगों को यहाँ पर HDMMC कार्ड, USB ऑप्शंस मिल जाते हैं कुछ ये ऑपरेट करने के, सेट करने के वॉल्यूम्स को, उनके ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अगेन ऊपर चार इनपुट्स देखने के लिए मिलती है, गिटार 1, गिटार 2, माइक 1, माइक 2, एक्सटर्नल 2 माइक आप इसके साथ कनेक्ट करके चला सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं मल्टीमीडिया की जो फंक्शंस हैं, बेस, मिड, ट्रेबल, ये सारे चीज़ आपको यहाँ मिल जाते हैं। अगेन यहाँ पर आप लोगों को मल्टीमीडिया कनेक्ट करने के लिए या फिर आपके माइक के लिए अलग से यहाँ पर इक्वलाइज़र देखने के लिए मिल जाता है। साइड में आप लोगों को लाइटिंग देखने के लिए मिलती है जो कि आपकी BPM में काम करने वाली है, लेवल को बताएगी आपका लेवल कितना चल रहा है। अगेन यहाँ पर माइक की कुछ सेटिंग्स मिल जाती है। तो ये रह जाता है आपका पूरा डेमो, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर पूरा जो है ऑपरेट करने के लिए एक DJ का सिस्टम मिल जाता है। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मेन स्पीकर की बैक साइड की तरफ, तो यहाँ पर आप लोगों को मिलती है स्पीकर की आउटपुट 4 ओम्स और 8 ओम्स, ऑक्स इनपुट दिया हुआ है दोस्तों लेफ्ट राइट। अगेन यहाँ पर आप लोगों को लाइट आउटपुट मिल जाती है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक ऑन ऑफ स्विच भी मिलता है भाई, अगर आप लाइट ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो ऑफ रहने दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई है वो इनपुट वोल्टेज की, पावर आउटपुट 300 रहने वाला है जैसे कि, और ये आपका हो जाता है इनपुट सेक्शन, पावर ऑन ऑफ का बटन, और साथ में आप लोगों को मिल जाती है एक 3 पिन की केबल। तो ये पूरा आप लोगों को यहाँ पर पूरा सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है। तो अभी मैं इस स्पीकर को खोलने वाला हूँ, इन दोनों में से एक स्पीकर मैं आपको खोल के दिखाना चाहूँगा कि स्पीकर कैसा रहने वाला है, आउटपुट कैसी निकलने वाली है, HF कौन सी लगी हुई है। तो यहाँ पर डिटेलिंग के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है, और आपका भाई स्पीकर्स एम्पलीफायर को खोलने से पीछे नहीं रहता, क्योंकि इन्हीं में खेल के भाई बड़े हुए हैं हम लोग। तो यहाँ पर बेसिकली 3 स्क्रू आपको नीचे मिल जाते हैं, एक स्क्रू ऊपर मिल जाता है, और 4 स्क्रू आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो जल्दी से इसको खोलता हूँ और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं ग्रिल को खोल चुका हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि भाई साइड में आपको लाइटिंग लगाई हुई है भाई। यहाँ पर जो आप लोग देख रहे थे ना, RGB लाइटिंग यूज़ में ली गई है, और पूरा मैकेनिज्म यहाँ पर लगा हुआ है, आपको डिटेल में जाके दिखाना चाहूँगा एक बार। इस तरीके से यहाँ पर पूरी लाइटिंग को बॉडी के अंदर ही लगा दिया गया है, और आपके स्पीकर को सजा दिया गया है। तो दोस्तों अभी मैं स्पीकर को जल्दी से खोल के दिखाना चाहूँगा आप लोगों को कि स्पीकर कौन सा लगा हुआ है। यहाँ पर फ्रंट साइड में आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर जो है 3 लेयर की वूफर पैरी के स्पीकर का यूज़ किया गया है। बेसिकली इस टाइप के जो स्पीकर होते हैं वो फुल रेंज के अंदर आते हैं, जो आपका मिड और बेस दोनों काम करते हैं, काफ़ी अच्छे आउटपुट के साथ आपको मिलने वाला है ये स्पीकर का जो सेटअप है, काफ़ी अच्छे आउटपुट में आपको यहाँ पर मिलने वाला है।
दोस्तों यहाँ पर अभी बात चल रही थी स्पीकर्स को खोलने की, तो यहाँ पर मैं एक स्पीकर को खोल चुका हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बॉडी का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि बॉडी में आपको पूरे तरीके से यहाँ पर वुडन मिल जाता है, MDF बोल देते हैं दोस्तों इसको, MDF बोर्ड मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूरी बॉडी बिल्कुल इक्वल मिलती है और यहाँ पर पूरी बॉडी में MDF का काम किया है। तो यहाँ पर ये कुछ बॉडी का स्ट्रक्चर हो जाता अंदर से डिज़ाइनिंग, यहाँ पर MDF लगाया हुआ है, और ये हो जाता आपका कुछ स्पीकर का डिज़ाइन। एक बार मैं इसको पलट के दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पर आप लोगों को 150 वोट का स्पीकर मिल जाता भाई, 134 मैग्नेट के अंदर यहाँ पर स्पीकर मिलता है, 1.5 इंची की वॉइस कॉइल यहाँ पर आपको मिल जाती है भाई, जो आप लोग ट्रॉली सिस्टम या स्पीकर देखते हो ना आजकल, बहुत कंपनियों के आपको देखने के लिए मिलते होंगे, मिनी डीजे सेटअप, ट्रॉली डीजे सेटअप, ये वो, तो उन सब में सबसे हैवी स्पीकर यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। कोई भी 100 mm से ऊपर की मैग्नेट नहीं लगाता, यहाँ पर आप लोगों को 135 mm की मैग्नेट मिलने वाली है दोस्तों, और वो भी बी साइड के अंदर, यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कीजिए, बी साइड के अंदर आपको मैग्नेट मिलने वाली है, और पूरा सेटअप ये रहता है, HF सेपरेट अलग से दी गई है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वेंटिलेशंस की, तो यहाँ पर आपको 4 होल्स मिल जाते हैं एयर प्रेशर को बाहर निकालने के लिए, और ये पूरा कुछ गेटअप रहता है। तो ये थी इन स्पीकर्स की कुछ स्पेसिफिकेशन और बाकी डिटेल। आप लोगों ने देखा कि मैंने इसको अंदर से भी खोल के दिखाया, कितना अच्छा और सफाई से यहाँ पर आपको काम देखने के लिए मिलता है। ऊपर पूरा एक डीजे का पूरा सेटअप दिया गया है भाई, आप लोग डीजे की तरह यहाँ पर पिच कंट्रोल वगैरह का जो फंक्शन है वो वॉल्यूम्स में, और इक्वलाइजर, पेन ड्राइव के सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जिससे कि आप लोग अपनी पार्टी में मज़े ले सकते हैं भाई पूरे तरीके से एक मिनी डीजे के। अगेन फाइनली चलते हैं हम जल्दी से, हम लोग कर लेते हैं इसकी एक प्यारी सी टेस्टिंग। पानी दा रंग देख के
Venkatesh.
कुछ नहीं उखाड़ सकता मेरा। तो दोस्तों कैसे लगी आप लोगों को आज के इन स्पीकर की टेस्टिंग रिव्यू और बाकी डिटेल। तो दोस्तों आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझ आई होगी भाई, आप सभी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड चल रही थी कि भाई एक बजट के अंदर डीजे सेटअप लेकर आओ, मिनी डीजे सेटअप लेकर आओ, जो हम लोग अपने मिनी डीजे सेटअप जैसे कि भी पार्टी बर्थडे वगैरह में यूज़ कर सकें। कुछ मेरे भाई ऐसे भी शौकीन हैं जो घर में हैवी वेवी सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो ये सिस्टम आपके लिए होने वाला है भाई। और सबसे मेन पॉइंट वाली बात बताऊँ कि ये जो सिस्टम है ये आपके बजट में आने वाला भाई। एम्पलीफायर लेने की ज़रूरत नहीं है, अलग से स्पीकर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, जगह घेरने की ज़रूरत नहीं है, ये स्पीकर जो है आपके सारा काम निकालने वाले। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। लेकिन एक मिनट रुकिए कि आप लोग इनको खरीद कहाँ से सकते हैं, तो मैं डिस्प्ले पे आपको नंबर देकर जा रहा हूँ, यहाँ से भी आप लोग खरीद सकते हैं या फिर आप अपने एरिया के नज़दीकी डीलर से भी इन स्पीकर्स को खरीद सकते हैं। इन स्पीकर का जो मॉडल नंबर रहता है दोस्तों वो रहता है आपका 13-13, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था जब हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे थे। अगर आप इन स्पीकर को ऑफर प्राइस में खरीदना चाहते हैं तो इनका ऑफर चल रहा है, बहुत अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगा। आप सोच नहीं सकते इस प्राइस के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। डिस्प्ले पे मैं नंबर देकर जा रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप भी इनको खरीदना चाहते हैं तो अभी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको नए नए ऑफर्स नए नए प्रोडक्ट्स का रिव्यू देखने के लिए मिलते रहते हैं। आप में से कुछ भाई ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो अभी से आप लोग बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, अब से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपके काम की हो सकती हैं और ऐसे ऐसे ऑफर्स मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो करना लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा करना शेयर। मैं मिलता हूँ इस तरीके किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।